हाय गाइस, वेलकम टू एजे किचन। आज एजे किचन में हम बनाएंगे मसाला मैगी ऑमलेट। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैगी तैयार करेंगे। मैगी तैयार करने के लिए हम पैन में 1 कप पानी ऐड करेंगे, और जैसे ही पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा, हम इसमें मैगी और मसाला साथ में ऐड कर देंगे और इसे कुक करेंगे। तो जब तक हमारी ये मैगी पकती है, चलिए हम ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और अब इन्हें हम अच्छे से फेंट लेंगे। आप एग्स को जितना ज्यादा फेंट लेंगे, आपका जो ऑमलेट है उतना अच्छा और फ्लफी बनेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें, मिक्स हर्ब, चिली फ्लेक्स, और इन सबको ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ऑमलेट बनाने के लिए जो हमें पेस्ट चाहिए वो हमारा रेडी हो चुका है। चलिए हम एक बार मैगी भी देख लेते हैं। तो मैगी जो है, हमारी मैगी भी कुक हो चुकी है। मैगी में जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है हमें उसको हटा देना है, उसको जला देंगे हम। सूखी मैगी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। ऑमलेट बनाने के लिए एक पैन में हम बटर ऐड करेंगे और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। जब बटर हमारा पूरा मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऑमलेट का जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था वो हम ऐड कर देंगे और इसे गोल शेप दे देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं, और ऐसे चलाते हुए, इसके डायरेक्शन चेंज करते हुए हम इसे अच्छे से कुक करेंगे, क्योंकि हमें इसे सिर्फ एक साइड पे ही सेकना है। तो नीचे का जो पोर्शन है ऑमलेट का, ये अच्छी तरीके से मेरा कुक हो चुका है, और अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे मैगी जो हमने कुक किया हुआ था। मैगी को ऑमलेट के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और हाफ इसे हम मोड़ देंगे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आपको सेम ऐसे ही करना है, और इसे अच्छे से दबाते हुए हमें दोनों साइड पे इसे सेक लेना है एक बार। तो हमारा जो ये मसाला मैगी ऑमलेट है वो बनके रेडी हो चुका है। तो आप इसे प्लेट में निकाल लें। निकालते समय थोड़ी सावधानी रखें, आप पैन के ऊपर प्लेट रख लें और इसे फ्लिप कर लें। सॉस और चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। तो इसी तरीके की रेसिपी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थोड़ा सा इसे मिक्स हर्ब, हरा धनिया, प्याज के साथ गार्निश करें और इसका स्वाद लें। Always made fresh, eat healthy. Thanks for the watching AJ Food Safari. मिलते हैं नई रेसिपी के साथ जल्दी। Take care, bye bye.